Hello, my dear students. This is Kiran Bhattaru, your online teacher. And today we will start lesson number 23, Raj Sarkar. इस तो पहला अपन ज्योग्राफी दे सारे चैप्टर्स कर ले आते, हिस्ट्री दे भी सारे चैप्टर कर चुके हैं MCQs ते जे तुसी अजे वो वीडियो लेसन्स नहीं देखे तो तुसी चैनल तो वो देख सकते हैं ते चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर लो ते उत्थों प्लेलिस्ट ओपन करके तुसी अपने इंग्लिश और SHT दे सारा सिलेबस अक्टूबर तक दा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हर राज के अपने कानून होंदे हन पर राज चलाउण तो पहला कानून किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं? कि तुसी दस सकते हो कि राज विच कानून बनाउण वाली संस्था नू की कहिंदे हन? नंबर 1 कार्जपालिका, नंबर 2 न्यायपालिका, नंबर 3 विधानपालिका, नंबर 4 उपरोक्त विचों कोई नहीं। सो कानून किहदे द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 3 विधानपालिका। केंद्रीय सरकार की तरह राज सरकार के भी 3 अंग होंगे, ठीक है। जिस तरह केंद्र के होंगे उस तरह राज के भी होंगे विधानपालिका, कार्जपालिका, न्यायपालिका। तो हरेक राज की विधानपालिका का काम की होंगे? कानून बनाना। तो कार्जपालिका उन्होंने कानूनों लागू करती है, न्यायपालिका कानूनों की उल्लंघना करने वाले सज़ा देती है, ठीक है। तो राज की विधानपालिका के मुख्यमंत्री तो विधानसभा के मैंबर होंगे, जबकि कार्यपालिका दे विच राजपाल ते उसके कामों विच सहायता करने लई मंत्री परिषद होंदी है, ठीक है। तो संविधान के द्वारा केंद्र अते राज सरकारां विच शक्तियां दी वंड कीती जांदी है, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 2, राज विच सिक्ख्या, सिंचाई, आवाजाई, सेहत अते सफाई विभाग होंदे हन। सरकारी अधिकारी अलग अलग भागां दे काम संबंधित मंत्रियां दी अगवाई विच चलाउंदे हन। हरेक विभाग दे सरकारी अधिकारी नूं की कहा जांदा है? नंबर 1 प्रबंधक, नंबर 2 राजपाल, नंबर 3 कार्यकर्ता, नंबर 4 सकत्तर। इहदा सही आंसर हैगा सकत्तर जी। क्वेश्चन नंबर 3, राज की मुख्य कार्यकारी शक्ति राजपाल कोल हुंदी है। राजपाल का कार्यकाल 5 साल हुंदा है। कि तुसी दस सकते हो कि जेकर किसी व्यक्ति ने राज दे राजपाल बनना होवे तां उसकी घट्टो घट उम्र किन्ने साल होनी चाहिए है? नंबर 1 25 साल, नंबर 2 35 साल, नंबर 3 30 साल, नंबर 4 45 साल। ये सही आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 2 35 साल। क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा की चोणों में बहुमत प्राप्त करने वाले दल के नेता राज के राजपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। कि तुहानू पंजाब के मुख्यमंत्री जी का नाम पता है? हाँ जी, ये आंसर तो तुहानू वैसे दसन की जरूरत नहीं, तुहानू पता ही है ना। नंबर 1 कैप्टन अमरिंदर सिंह, नंबर 2 श्री प्रकाश सिंह बादल, नंबर 3 श्री मनप्रीत सिंह बादल, ते नंबर 4 श्री नरेंद्र मोदी। हाँ जी, वैसे तो तुहानू इन्हां चारों के बारे पता होगा कौन कौन आ। इहदा आंसर हैगा नंबर 1 कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है। तो प्रकाश सिंह बादल बारे भी तुसी सुनिया होया, वो अपने पहला दे मुख्यमंत्री, ठीक है, एक्स CM। उस तो बाद है मनप्रीत सिंह बादल, ये हुण की है अपने वित्त मंत्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। उस तो बाद नंबर 4 ते है नरेंद्र मोदी, ये है अपने PM प्रधानमंत्री, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, राज विधानसभा के मैंबर सीधे लोगों द्वारा बालग मताधिकार अते गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। राज विधानसभा के मैंबरां नूं की कहा जाता है? नंबर 1 ते हैगा मंत्री परिषद, नंबर 2 MLA, नंबर 3 राजमंत्री, जां नंबर 4 मुख्यमंत्री। हाँ जी, राज विधानसभा के जिहड़े मैंबर आ चुने हुए हुंदे आ, ठीक है, उन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ? MLA, मैंबर ऑफ लैजिसलेटिव असैम्बली। हाँ जी, राज विधानसभा के हेठले सदन जिहनूं आपां विधानसभा कह दिंदे आ, ते इहदे मैंबरां नूं की कह दिंदे आ? MLA। तो ये मैंबर सीधे लोगों के द्वारा बालग मत अधिकार के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो विधानसभा दी चोणां समय विधानसभा के खेतरां नूं जनसंख्या के आधार पर अलग अलग चोण हल्कों के वंड लिया जाता है। तो हरेक हल्के एक मैंबर चुनिया जाता है। तो वक् वक् राज्यों में विधानसभा के मैंबरों की गिणती जनसंख्या के आधार पर भी वक् वक् होती है। तो संविधान द्वारा विधानसभा के मैंबरों की गिणती घट्टो घट 60 ते वध तो वध 500 रखी गई है। पंजाब विधानसभा के मैंबरों की गिनती कितनी है इस समय? 117, ठीक है। तो हुण तुसी ये देखना कि तुहाडा हलका किहड़ा हैगा, तुसी किहड़े हलके च रहिंदे आ, ते तुहाडे हलके का MLA कौन है, ये तुसी देखना हुण। क्वेश्चन नंबर 6, वह राज का असल मुखी हुंदा है, वह मंत्रियों नूं विभागां दी वंड करदा है, दसो कौन राज विधान मंडल की अगवाई भी करता है? मुख्यमंत्री, सकत्तर, विधायक, मंत्री,
परिषद। हाँ जी, हुण इहदा आंसर हैगा मुख मंत्री। जदों विधान सभा दीआं चोणां हो जांदीआं उस तों बाद जिहनूं बहुमत मिल जांदा उस दल दे नेता नूं राजपाल दे द्वारा मुख मंत्री नियुक्त कर दित्ता जांदा। ते मुख मंत्री की करदा फिर बाकी मंत्रियां दी सूची तैयार करदा जिन्हां नूं राजपाल मंत्री नियुक्त करदा है। ते फिर गठबंधन वाले मंत्री परिषद दे विच विरोधी दलों नूं भी योग प्रतिनिधता देण लई मुख मंत्री कुछ जिहड़े मंत्री उह विरोधी दलों विचों भी लैंदा आ। जे किसी भी एक दल नूं बहुमत नहीं प्राप्त हुंदा तां सारे राजनीतिक दलों के मैंबर इकट्ठे हो के अपना एक नेता चुन लैंदे आ जिहनूं मुख मंत्री बनाया जांदा आ। ठीक है, तो अजिहे समय मंत्री परिषद कई दलों के गठजोड़ नाल बनता हुंदा ते अजिही सरकार नूं फिर आपां मिली जुली जां गठबंधन वाली सरकार कह दिंदे आ। क्वेश्चन नंबर 7, हेठ लिखे कथनों विचों किहड़ा कथन सही है? पंजाब विधानसभा के मैंबरां की गिनती इस समय 117 है। नंबर 2, पंजाब राज विधानसभा चंडीगढ़ विखे स्थित है। हाँ जी, हुण दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, पंजाब विधानसभा के मैंबरां की गिनती भी 117 आ ते पंजाब विधानसभा भी चंडीगढ़ च आ। सो किहड़ी ऑप्शन सही हैगी आ? नंबर 1, कथन 1 अते 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हेठ लिखे कथनों विचों किहड़ा कथन गलत है? हाँ जी, नंबर 1, राजपाल राष्ट्रपति के द्वारा 6 साल लई नियुक्त किया जाता है। नंबर 2, विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होंदा है। इहदे विच दो ऑप्शन दित्तियां होईयां, इहनां विचों जिहड़ी पहली ऑप्शन है कि राजपाल राष्ट्रपति के द्वारा 6 साल लई चुनिया जाता है, यह गलत है क्योंकि किन्ने साल लई चुनिया जाता है? 5 साल के लिए। तो दूसरी ऑप्शन हैगी कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होंदा? 6 साल। यह ऑप्शन हैगी है ठीक। सो ये आप देखते हैं कि ऑप्शन कौन सही है आंसर। नंबर 1 ते लिखा हुआ कथन 1 अते 2 सही हैं, ये नहीं आएगा। नंबर 2 ते लिखा कथन 1 अते 2 गलत हैं, ये भी नहीं। नंबर 3, कथन 1 सही है ते 2 गलत है, ये भी नहीं आता। नंबर 4 ते है कथन 1 गलत है ते 2 सही है, ये सही आंसर है। ठीक है, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, जेकर तुसी तेज़ रफ्तार नाल मोटरसाइकिल चलाउंदे हो सड़क ते लगे हुए चिन्हां दा ध्यान नहीं रखदे अते तुहाडी उम्र 18 साल तो घट है तां इस स्थिति विच की हो रहा है? सड़क नियमों की उलंघना हो रही है, सड़क दुर्घटना हो रही है, मोटरसाइकिल का नुकसान हो रहा जां उपरोक्त सारे? सो ये हैगा सड़क नियमों की उलंघना। क्वेश्चन नंबर 10, हेठ लिखे कथनों विचों किहड़ा कथन सही है? नंबर 1, भूमि सुधार का उद्देश भूमिहीन किसानों और खेती करने वाले मजदूरों को भूमि की मलकीयत का अधिकार और जिम्मेदारी सुरक्षा देना है। नंबर 2 हैगा मौलिक अधिकारों विचों जायदाद का अधिकार काढ़ दिता गया है। हाँ जी, ये भी हुण दोनों ही ऑप्शन सही हैगियां। भूमि सुधार का उद्देश की हैगा? भूमिहीन किसानों और खेती करने वाले मजदूरों को भूमि की मलकीयत का अधिकार देना या जिम्मेदारी सुरक्षा। तो इस तो पहला जायदाद का अधिकार पहला मौलिक अधिकारों की सूची में सी बट हुण काढ़ दिता गया है। सो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो यदा आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 हैगा, कथन 1 अते 2 सही हैं। जी, सो ये अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिदे नाल ही अपना अक्टूबर नवंबर का सिलेबस खत्म हुंदा। ठीक है, तो तुसी सारे चैप्टर्स दी रिविजन कर लो। तो इसी मंथ तुहाडे 11th of November तो पैस दे एग्जाम हैगे आ, तो उहदे विच सप्टेंबर तक का ही सिलेबस आना। तो तुसी अपने इसी चैनल तो जो कि तुहाडा अपना चैनल है इहदे तो तुसी अपने इंग्लिश और SST का सारा सिलेबस ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, सारे MCQs उत्थे हैगे आ, वो वीडियोज़ देख लो। नाल ही इंग्लिश दे सारे वीडियो लैसनस हैगे आ जिन्हां दे विच चैप्टर रीडिंग कीती हुई आ ते बुक एक्टिविटीज़ भी एक्सप्लेन कीती हुई आ, रिटन नोट्स भी नाल दिते हुए आ। ठीक है, वो तुसी उत्थों देख सकदे आ। ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, ते बैल आइकन प्रेस कर लो तां कि तुहानूं न्यू वीडियो दा नोटिफिकेशन मिल जाए ते तुसी सही समय पढ़ सको। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।